नई स्टडी रिवील करती है कि एजिंग जो है वो अकर होता है मिड 40s एंड अर्ली 60s। एक नई स्टडी पब्लिश हुई ऑन nature.com जहां सजेस्ट किया गया कि आपकी बॉडी रैपिडली एज करती है एट दीज टू एजेस, जो कि मैंने आपको बताया मिड 40s और अर्ली 60s। अकॉर्डिंग टू बालाकृष्ण जी के, जो कि HODN सीनियर कंसल्टेंट है ऑफ इंटरनल मेडिसिन एट ग्लेन ईगल्स BGS हॉस्पिटल बेंगलुरु, उनका ये कहना है कि एजिंग का लिंक होता है विद सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूलर चेंजेस ड्यूरिंग दीज पीरियड्स। डॉक्टर ने ये भी ऐड किया है कि इन द मिड 40s एक इंक्रीज होता है इन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन और ऑल्टरेशंस इन सेल्यूलर रिपेयर मैकेनिज्म, और बाय द अर्ली 60s सेल्यूलर डैमेज होता है और सेल्स का रीजनरेशन नहीं हो पाता है। ये मॉलिक्यूलर शिफ्ट से विजिबल साइंस ऑफ एजिंग दिखाई देते हैं। एक और हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर शिवदासनी का कहना है कि मिड 40s में लोग अपने करियर के पीक में आ जाते हैं और उसके साथ ही साथ आते हैं कई लाइफस्टाइल चेंजेस। अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग इंक्रीज होता है और स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब होते हैं। इसके साथ साथ प्रोसेस्ड फूड्स और शुगर डेली डाइट का एक हिस्सा बनता है जो कंट्रीब्यूट करता है टू एजिंग एंड इवन प्रीमैच्योर एजिंग। और अराउंड दिस एज मसल मास जो है वो लूज होना शुरू हो जाता है, मसल से आपकी लॉन्जेविटी बढ़ती है और फिर मॉलिक्यूलर शिफ्ट्स अकर होते हैं एट दिस एज। इसीलिए एट द एज ऑफ 60 रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है वो इंक्रीज होता है और इम्यून रेगुलेशन जो है एक इशू बन जाता है। क्या कहना आपका इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हेल्थ लाइफ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।